अस्सलामुअलैकुम, अगर आप कोरिया आए हुए हैं और आपके पास कैश है तो इसका मतलब ये है कि ना आप बस में और ना ही आप सबवे ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं अगर आप सिटी के अंदर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बसेस और सबवे पे मुख्तलिफ स्कैनर्स लगे होते हैं और उधर जो है कार्ड के ज़रिए पेमेंट होती है। तो इधर अगर आपने सबवे ट्रेन या फिर बस में ट्रैवल करना है तो आपके पास ये ट्रांसपोर्ट कार्ड होना चाहिए या फिर मुख्तलिफ बैंक्स के जो डेबिट कार्ड्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन रखवाना होता है, तभी जाके आप सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये मशीन दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली इस मशीन से आप टिकट भी ख़रीद सकते हैं और जो आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है उसमें आप पैसे भी डलवा सकते हैं। तो ये वाली मशीन है, तो सबसे पहले हम कैश में पैसे निकलवाते हैं अपने बैंक कार्ड से, उसके बाद फिर हम इस मशीन के ज़रिए बैलेंस डलवाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी, हमने ये 10,000 वॉन निकाल लिए हैं, तो अभी देखते हैं कार्ड में लोड करने का प्रोसीजर। सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है इंग्लिश, और उसके बाद फिर जो ट्रांसपोर्ट कार्ड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन आ गई है कि आप अमाउंट कितनी डालना चाहते हैं। तो हमने ये 10,000 वॉन का नोट डाला, तो और यहाँ पे नीचे हमने कार्ड भी रख दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखें, हमारे कार्ड में अमाउंट लोड हो गई है। तो इस तरह हमारे कार्ड में बैलेंस डल गया है। तो कोरिया में इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर कैश के, लेकिन आपके पास ये कार्ड होना ज़रूरी है।